इसराइल जंगी जुनून में पागल, वैश्याना हमले तेज करने का ऐलान। लेबनान पर गोले बरसा दिए। इसराइल की जनूबी लेबनान के अंदर 5 किलोमीटर फासले पर शदीद गोलाबारी शुरू। लेबनान की मजामती तंजीम हिजबुल्ला और इसराइली फौज में फायरिंग और रॉकेट्स का तबादला। इसराइल के शाम में दमश्क और हल्ब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर भी मिजाइल हमले। सियोनी फोर्सेस का फजा से फेंके गए पॉम्फलेट में फलस्तीनियों को एक बार फिर। गजा का शिमाली इलाका खाली करने की वार्निंग। 24 घंटे में इसराइली बमबारी से गजा में मजीद 266 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। 2 हफ्ते से जारी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की मजमू तादाद 4,700 से जायद हो गई। गजा में बेघर अफराद की तादाद 14 लाख से तजावज कर गई। 31 मसाजिद भी शहीद। अरब ममालिक ने फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। मिस्र की सरबराही में काहिरा अमन इजलास में सऊदी अरब समेत अरब ममालिक की जानिब से गजा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत। इजलास में इसराइल के गजा के लोगों को जबरी बेदखल करने की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार करते हुए कहा कि गजा दर्दनाक तबाही से गुजर रहा है, फलस्तीनियों को मुसलसल इमदाद की ज़रूरत है, इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी के लिए आलमी बरादरी किरदार अदा करें। जाती उम्र में शरीफ खानदान की अहम बैठक, पीपल्स पार्टी से महाजराई ना करने का फैसला। पीडीएम में शामिल तमाम जमातों की लीडरशिप से मुलाकात और टेलीफोनिक रबतों का भी फैसला। कायद मुस्लिम लीग नून आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान से रबते करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और इसहाक डार का मौजूदा मुल्की सियासी सूरतेहाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में तय पाया कि नवाज शरीफ पहले कानूनी मामलों पर फोकस करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून ने आज सियासी और मौशी सूरतेहाल पर गौर के लिए अहम इजलास बुला लिया। कायद मुस्लिम लीग नून आज खसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद रवाना होंगे। साबिक वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार भी हमरा होंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 2 से 3 रोज मरी और इस्लामाबाद में क्याम करेंगे। नवाज शरीफ का सजा के खिलाफ अपील बहाली की दरख्वास्तें आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर करने का फैसला। अदालतों से रिलीफ के लिए नवाज शरीफ पुरउम्मीद, कहा सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, तमाम तवानाइयां पाकिस्तान की मौशी खुशहाली पर मरकूज रखना चाहते हैं। सानिहा 9 मई में मुलव्वस सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में विफाकी हुकूमत ने अदालत में मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया गया कि 9 और 10 मई के वाकयात में गिरफ्तार 102 अफराद का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हो चुका, जो कसूरवार साबित ना हुआ बरी हो जाएगा। 9 मई के 9 मुलजमान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। मुकदमे में फरीक बनाकर मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दिया जाए, अदालत उज़्मा से इस्तदा। अवामी खिदमत मोहसिन स्पीड से वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में अकबर चौक फ्लाईओवर का दौरा, तरक्याती मनसूबे के जारी कामों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब में 100 अस्पतालों में तामीर और मरम्मत का काम जारी है। एक सवाल के जवाब में मोहसिन नकवी ने कहा कि एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। जनरल अस्पताल लाहौर की एमरजेंसी के अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लेने अस्पताल भी पहुंचे। काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत, गुजरांवाला मोटरवे लिंक रोड पर तामीराती काम 25 दिसंबर तक मुकम्मल करने का टास्क। घरेलू सार्फीन के लिए गैस 172% महंगी करने की तैयारियां। निगरान विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया। इजलास में गैस की कीमतों में इजाफे की समरी पेश किए जाने का इम्कान। गैस की कीमत 200% तक बढ़ाने की तजवीज़। सबसे कम गैस इस्तेमाल वालों के लिए फिक्स चार्जेस 3,900% इजाफा होगा। प्रोटेक्टेड सार्फीन के लिए फिक्स माहाना चार्जेस 10 से बढ़ाकर 400 रुपये करने की तजवीज़। कीमतों में इजाफे का इतला किए अक्टूबर से करने की तजवीज।
बहरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव समुद्री तूफान तेज में तब्दील। महकमे मौसमियात ने समुद्री तूफान तेज का पांचवा अलर्ट जारी कर दिया। समुद्री तूफान ने तेजी से यमन के साहली इलाकों की जानेब बढ़ना शुरू कर दिया। तूफान गवादर के जनूब मगरब में 1600 किलोमीटर और कराची के जनूब मगरब में 1830 किलोमीटर के फासले पर मौजूद। समुद्री तूफान यमन के साहली इलाकों से टकराएगा। पाकिस्तान की साहली पट्टी को तूफान से कोई खतरा नहीं। सब्र और हौसले का इस्तारा। मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की आज 12वीं बरसी है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के बाद बेगम नुसरत भुट्टो ने अवामी हकूक के लिए भरपूर जिद्दोजहद की और पाकिस्तान की जमहूरियत और अवाम के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। मादरे जमहूरियत को कौम का सलाम। ना हमवार रास्ते और सनसनीखेज मुहिमजोई। गवादर ऑफ रोड रैली खत्म हो गई। जयंत बलोच फातेह खरा नादिर मक्सी रनर अप रहे। 250 किलोमीटर ट्रैक पर मुल्की और गैर मुल्की मोटर रेसर्स ने किस्मत आजमाई। इसराइल जंगी जुनून में पागल। वैश्याना हमले तेज करने का ऐलान। लेबनान पर गोले बरसा दिए। इसराइल की जनूबी लेबनान के अंदर 5 किलोमीटर फासले पर शदीद गोलाबारी शुरू। लेबनान की मजामती तंजीम हिजबुल्लाह और इसराइली फौज में फायरिंग और रॉकेट्स का तबादला। इसराइल के शाम में दमश्क और हल्ब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर भी मिजाइल हमले। सियोनी फोर्सेस का फजा से फेंके गए पॉम्फलेट में फलस्तीनियों को एक बार फिर। गजा का शिमाली इलाका खाली करने की वार्निंग। 24 घंटे में इसराइली बमबारी से गजा में मजीद 266 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। दो हफ्ते से जारी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 4,700 से जायद हो गई। गजा में बेघर अफराद की तादाद 14 लाख से तजावज कर गई। 31 मसाजिद भी शहीद। अरब ममालिक ने फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। मिस्र की सरबराही में काहिरा अमन इजलास में सऊदी अरब समेत अरब ममालिक की जानब से गजा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत। इजलास में इसराइल के गजा के लोगों को जबरी बेदखल करने की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वामे मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने खबरदार करते हुए कहा कि गजा दर्दनाक तबाही से गुजर रहा है। फलस्तीनियों को मुसलसल इमदाद की ज़रूरत है। इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी के लिए आलमी बरादरी किरदार अदा करे। वर्ल्ड कप में भारत की मुसलसल 5वीं फतह। पॉइंट्स टेबल पर सर फहरिस्त। मेगा इवेंट में न्यूजीलैंड को पहली शिकस्त। कीवीज ने 274 रन का हदफ दे दिया। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हरा दिया। कोहली की एक और शानदार इनिंग्स। 95 रन बनाए। मोहम्मद शामी के 5 शिकार। प्लेयर ऑफ द मैच बना।